फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी, एसबीआई और बीओबी के स्टॉक के बारे में। क्योंकि देखिए, आपको आज देखने को मिला कि पीएनबी और एसबीआई में तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन बीओबी आज बढ़िया कर रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पीएनबी और एसबीआई में जो गिरावट आपको देखने को मिली, उस गिरावट का आपको फायदा उठाना है और क्या यहाँ पे खरीदारी करके चलना है और क्या होंगे दोस्तों यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा के अगले टारगेट्स। तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होगा दोस्तों यहाँ पे एसबीआई। तो देखिए, आज एसबीआई ने यहाँ पे 432 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी। 1.35 रुपये देखिए आपको आज स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। करीबन 0.31% तक की आपको आज यहाँ पे एसबीआई के अंदर देखिए गिरावट देखने को मिली। और आप देखेंगे एसबीआई में एक बढ़िया तेज़ी के बाद अब थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली चालू हो रही है और स्टॉक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए स्टॉक ने बढ़िया तेज़ी दिखाई, लेकिन अब देखिए फिर से स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अपने हाई से आप देखेंगे जो करीबन 440 के आसपास के थे, 443 के, उसके बाद से आप देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए स्टॉक यहाँ पर आपको गिरता हुआ देखने को मिल चुका है और करीबन 431 रुपए के आसपास की देखिए आज की क्लोजिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि एसबीआई में जिस तरह से चार्ट पैटर्न आज फॉर्म हो रहा था, आज शुरुआत में आप देखिए स्टॉक बढ़िया कर रहा था, बढ़िया देखिए मूव देखने को मिल रहा था। 437-435 रुपए तक देखिए स्टॉक कंसोलिडेशन करा, लेकिन देखिए अचानक से यहां पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और स्टॉक में एक तेज़ी से देखिए गिरावट बनी और आपको देखने को मिला कि वो गिरावट करीबन 430 रुपए के आसपास लेके गई स्टॉक को। लेकिन अभी भी कह सकता हूँ कि देखिए स्टॉक यहाँ पे आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक में आप देखेंगे जो सबसे बड़ी बात है वो मुझे देखने को मिल रहा है कि अभी भी देखिए 430 के ऊपर स्ट्रांगली सपोर्ट जो इसका मेंटेन है वो आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी देखिए 430 के ऊपर स्टॉक आपको आसानी से मेंटेन करके दिखा रहा है। जब तक देखिए 430 के ऊपर ये स्टॉक रहेगा तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि देखिए 430 एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों से देखता हूँ तो पिछले कुछ दिनों में देखिए डेफिनेटली गिरावट बनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमको देखने को मिला दोस्तों यहाँ पे कि देखिए स्टॉक यहाँ से आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेके बार बार चलता हुआ देखने को मिला है। थोड़ी थोड़ी गिरावट हमको पहले भी देखने को मिली है और वो गिरावट दोस्तों जस्ट एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप देखिए स्टॉक लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखिए जिन लेवल्स के आसपास है वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए लगातार स्टॉक बढ़ाए और वही देखिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो ये गिरावट है दोस्तों, उस गिरावट का तो आपको फायदा उठाना है, यहाँ से एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है जस्ट अगर आप पेशेंसली होल्ड करते हैं स्टॉक को। देखिए स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ से स्टॉक आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और अगर जब तक 430 रुपये के ऊपर ये मेंटेन रहता है तब तक आपको देखने को मिलता है कि देखिए स्टॉक डेफिनेटली बढ़िया करेगा और यहाँ पे एक बढ़िया बढ़त के साथ देखिए स्टॉक मेंटेन करेगा। अभी आज जो गिरावट आपको देखने को मिली है वो मुझे लगता है कि सिंपल यहाँ पे आपको आज बाइंग करके चलना है या फिर अगर कल बाजार फिर से गिरता है, क्योंकि देखिए अभी ऑल टाइम हाईस पे और आपको देखने को मिला है कि आज आखिरी के आधे पौन घंटे के अंदर स्टॉक में गिरावट बनी है तो चांसेस काफ़ी हाई है कि देखिए कल थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिले। लेकिन कल जो आपको क्लोजली देखिए स्टॉक को मेंटेन करना है, जो क्लोजली देखिए स्टॉक के ऊपर आई रखनी है, वो मेंटेन करके रखना है कि 425 रुपये के ऊपर ये स्टॉक बना रहे। अगर 425 की रेंज को अगर ये कल तोड़ देता है, जो नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 425 का सपोर्ट टूट जाता है तो आप समझ के चलिए कि गिरावट बन सकती है और वो गिरावट काफ़ी तेज़ होगी और स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से आपको गिरता हुआ नजर आएगा। देखिए स्टॉक के अंदर जिन लोगों ने भी पोजीशन बना रखी है वो बिल्कुल होल्ड करके चले, ये अंत हफ्ते के महीने के अंत तक स्पेशली मुझे लगता है कि देखिए ये स्टॉक 450 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। जो अभी हमको देखने को मिल रहा है वो मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग है और तेज़ी के बाद देखिए हर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बनती है और वही हमको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से मैं देखूँ पिछले 3 महीने का चार्ट तो मुझे 3 महीने के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में एक गिरावट के बाद देखिए फिर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और अब दोस्तों फिर से स्टॉक आपको चलना चालू किया है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। इन लेवल्स के आसपास बिल्कुल भी यहाँ बेचने की सलाह नहीं है, अगर मिलता है तो बाइंग करके चलना है। अगर 425 के आसपास भी देखिए मिलता है और ऐड करके चलिए और ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक डेफिनेटली 450 के जोन तक आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब कल क्या करना है, देखिए कल बाजार कैसा रहता है वो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो देश को संबोधन करने वाले हैं वो भी है, वो डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा कि वो क्या बोलते हैं यहाँ पे। देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो भी देखिए संबोधन होगा डेफिनेटली हमारे मार्केट के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो सीएमपी बाय करके चलना है, टारगेट होंगे कल के 435 रुपये से लेकर 438 रुपये तक के। जो स्टॉप लॉस दोस्तों हमको मेंटेन करके चलना है यहाँ पे करके चलना है करीबन कल के लिए, वो होगा करीबन 428 रुपीज़ का। तो ये बात होगी दोस्तों एसबीआई की। अब बात करते हैं पीएनबी के ऊपर। तो देखिए पीएनबी ने आज 42.1 पे क्लोजिंग दी, 1 रुपये के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला, 2.32% देखिए आज आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अब पीएनबी की देखिए बात करते तो ये स्टॉक में आपको देखने को मिला कि नतीजे आए, नतीजों के बाद देखिए गिरावट देखने को मिली। देखिए जो भी आज पीएनबी में गिरावट देखने को मिली है वो सारी देखिए नतीजों के कारण देखने को मिली, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव निकालने। अब पॉजिटिव क्या है चलिए आपको ये बताता हूँ। आपको देखने को मिला आज स्टॉक के अंदर कि 42 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन हो चुका है।
आज के चार्ट में हमको देखने को मिला कि स्टॉक ने एक बार फिर 42 के जोन को तोड़ा, लेकिन उसके बाद देखिए फिर वहाँ से रिकवरी दिखाई और आज एक बार भी 42 के जोन को, 42 के सपोर्ट को वॉयलेट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है। देखिए नतीजों का यहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलना था, वो देखने को मिल चुका और वो आज हमको देखने को पूरा मिल चुका है। यहाँ से ज़्यादा गिरावट अब आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? अब पीएनबी के अंदर देखिए मोमेंटम काफ़ी बन रहा था, पहले भी देखिए आपको कह रहा था कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और अभी भी काफ़ी चांसेस मैं कहता हूँ कि आपको ये 50 रुपये के पार देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। जस्ट जो आज हमको गिरावट देखने को मिली वो मामूली प्रॉफिट बुकिंग थी और यहाँ से देखिए प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी और यहाँ से हो सकता है कि कल वापस से स्टॉक चले। देखिए कल देखना होगा कि क्या होता है, क्या पीएसयू बैंकिंग चलते हैं, क्योंकि देखिए पीएसयू सेक्टर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा जान लग रही है और मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए हफ्ता। मुझे लगता है कि यहाँ से पीएनबी, बीओबी और यहाँ पे देखेंगे आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तो बढ़िया कर ही रहे हैं, लेकिन अब इन स्टॉक्स भी बढ़िया चलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे अगर आप एसबीआई, पीएनबी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएनबी मुझे कम से कम 50 रुपये का दिखता है यहाँ से और इस महीने के अंत तक 50 रुपये का लेवल डेफिनेटली टच करेगा, क्योंकि आप देखिए जो यहाँ पे जो ख़राब खबरें थी वो आपको सब यहाँ पे देखिए मार्केट ने न्यूट्रलाइज कर लिए, जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी, नतीजों का देखिए जो भी इफेक्ट पड़ना था वो पड़ चुका, तो देखिए यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव ही है और ये स्टॉक भी डेफिनेटली देखिए बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। करना क्या है देखिए यहाँ से कल के लिए, देखिए स्टॉक में जो हमको देखने को मिला 42 का सपोर्ट वो बहुत स्ट्रांग फॉर्म है और वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको कोई चिंता नहीं करनी है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। 42 का भी एक बार टूट जाता है तो मेरे लिए 41 का एक स्ट्रांग सपोर्ट मेंटेन है, उसको भी मैं मेंटेन करके चलूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगेगी अगर यहाँ से 42 और 41 की रेंज में भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है। तो कल दोस्तों आपको जो करना है करंट लेवल के आसपास बाय करके चलना है, टारगेट रखने दोस्तों यहाँ पे आपको कल के लिए वो होंगे करीबन 44 रुपीज़ 50 पैसा तक के। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे कल के लिए आपको करके चलना है करीबन 41 का। तो दोस्तों ये बात हो गई पीएनबी की, बात हो गई एसबीआई की, अब आखिरी स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज क्लोजिंग दिए 82.9 पे, करीबन 1.05 रुपये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 1.28% तक के आपको आज बीओबी के अंदर एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। अब बीओबी की देखिए बात कर तो ये स्टॉक लगातार बढ़िया कर रहा है, रिजल्ट का देखिए जो भी यहाँ पे आपको फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलना था वो देखने को मिल चुका और अब देखिए फिर से स्टॉक आपको बढ़ दिखा रहा है, पिछले 5 दिन की हाईएस्ट जोन को देखिए आज स्टॉक ने टच किया है। आज की रेंज क्या थी सबसे पहले वो देखिए, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। आज की देखिए जो रेंज थी बीओबी की वो थी 84.1 का हाई, अब 84.1 का हाई आपको बनता हुआ देखने को मिला है, लेकिन 83.5 के आसपास यहाँ पे देखिए आज स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। अब हुआ क्या देखिए, आज आपको जैसे ही वो सारे बैंक्स गिरे, जैसे देखिए आखिरी कुछ मोमेंट पे एसबीआई में गिरावट आई, इस स्टॉक में भी थोड़ा सा देखिए इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। इतना तेज़ी से स्टॉक नहीं गिरा, लेकिन आपको देखने को मिला कि जो 83.75 के आसपास ट्रेड कर रहा था उससे काफ़ी तेज़ी से स्टॉक देखिए नीचे आया और 82.5 का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अब बीओबी मुझे लगता है कि देखिए मार्केट जिस तरह यहाँ पे चल रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा अफेक्ट करता है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग में यहाँ पे देखिए आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, बीओबी उससे बढ़िया आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप समझ के चलिए कि अगर यहाँ पे एसबीआई 1 रुपये बढ़ता है तो अगर 1% भी बढ़ता है तो यहाँ पे बीओबी में करीबन 3 से 4% बढ़ने की क्षमता मुझे यहाँ से लगती है। ये आपको मैं एक रेशियो बता रहा हूँ बीओबी और एसबीआई के बीच का, और एसबीआई में आप देखिए तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी, लेकिन बीओबी अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। नतीजों के बाद जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी और अब यहाँ से बीओबी के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिलने वाली है। आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक डेफिनेटली बढ़िया करेगा, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास बीओबी मुझे सबसे बढ़िया लगता है। देखिए आपको मैं लगातार कह रहा हूँ मेरे वीडियोस पे कि अगर कोई स्टॉक को मुझे पीएसयू में उठाना है तो सबसे पहले वो बीओबी होगा आफ्टर एसबीआई, और ये स्टॉक डेफिनेटली बढ़िया क्यों करेगा, क्योंकि आप देखिए जो नंबर्स आए थे उसमें आपको सबसे स्पेशली देखना था कंपनी के एनपीएस कैसे रहे, कंपनी की लोन बुक कैसी है, लोन ग्रोथ कैसी है, और वहाँ पे सब में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया करा है, तो वही मुझे देखने को मिल रहा है। और यहाँ से स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज मुझे जो देखने को मिला कि 83.75 और 84.1 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम आए, वो अगर टूटेंगे तो डेफिनेटली तेज़ी बनेगी। जब तक स्टॉक देखिए यहाँ पे आपको 83.75 का सपोर्ट है उसके ऊपर रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 83.75 के जैसे रेजिस्टेंस को तोड़ के एक दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देगा वैसे देखिए यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे करंट लेवल के आसपास खरीदारी करके चलना है, टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको जो बीओबी के अंदर होगा कल का 85 रुपीज़ तक का, स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे कल के लिए होगा करीबन 81 का। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की पीएनबी, एसबीआई और बीओबी के ऊपर, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।